नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? जय हो कल की भगवान की। कुछ लोग कहते कहाँ है भगवान, मैंने कहा बताओ, मुझे क्या बताओ जहाँ नहीं है। भाई उनका सवाल है कहाँ है भगवान, मैं कहता हूँ मुझे क्या बताओ जहाँ ना हो। तो एक तो ये कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। फिर उनके तो पहला ही कहना है, उनका कोई ये कहना नहीं है कि जब कलयुग का एंड हो जाएगा मैं तभी आऊंगा, ये कोई शर्त होती है क्या? ये तो कोई नहीं कह सकता ना। ये तो सीधी से उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी, कभी भी जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म की हानि की लिमिट है उनकी, जब पाप का घड़ा भर जाएगा तो मैं तुरंत ही अवतरित होऊंगा, यानी कि मैं हूं यही, प्रकट हो जाऊंगा अपनी शक्तियों से उस अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। यानी कि हमारे आसपास हर समय, जब हमारे आसपास अधर्म ही है, अधर्म हो रहा है, तो धर्म भी आसपास ही है। अधर्म का धर्म में विलय हो जाना, वो अधर्म धर्म में मिलके धर्म जो है उसको समाहित कर लेगा, विलय कर लेगा और धर्म बन जाएगा सबका। तो आप ये कैसे कह सकते हो, हर सेकंड में, हर पल पल वो दिव्य शक्ति, वो ईश्वर हमारे साथ है। जहां भी आप अधर्म देखते हुए कहते यार ये बड़ा बुरा हो रहा है, भाई वही है, हमने बोल दिया तो मतलब है। खुद अधर्म, बुराई, बुरा पाप करने वाला व्यक्ति अंदर से सोचता है, अंतरात्मा कहते नहीं यार वो तो गलत ही रहा है, तो वो वही तुरंत ही तो है जो आपको ये कह रहा है कि एक लिमिट तक, जब तक आप बुराई में रम नहीं जाते तब तक आपको ईश्वर अपने अंतरात्मा से कहता रहेगा ये ठीक बात नहीं, ठीक बात नहीं, रुको रुको रुको, मत करो मत करो। इसलिए जहां जहां अधर्म है वहां वहां बहुत प्रबल स्थिति में धर्म के रूप में ईश्वर है, शक्तियां, दोनों शक्तियां हैं। अगर अधर्म फैलाने वाले इंसान के रूप में अधर्मी है तो उस इंसान को अधर्म से रोकने के लिए इंसान के रूप में भी ईश्वर है, तो वो उसी रूप में है। अब जैसे देखिए, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि सबसे, किसी की तपस्या फेल करनी हो, काम वासना, बड़े बड़े ऋषि मुनि राजा, बड़े बड़े सब, बहुत ऐसे किस्से हैं कि काम वासना, कामदेव अच्छे अच्छे की तपस्या भंग कर देते थे, तब की उनको विशेष व्यवस्था करनी पड़ती थी, कोई अप्सरा ले आनी पड़ती थी, भेजनी पड़ती थी, कोई रूप धारण करना पड़ता था, तब सतयुग से लेकर त्रेता द्वार द्वापर तक की कहानी है। मगर अब एक मोबाइल खोलो तुरंत सबसे ऊपर आएगा, आपको साइट कोई ढूंढनी है और सबसे ऊपर आएगा, आज ये आज वो, मतलब सॉरी हवस की, देखते ही विज्ञापन आएगा, बाकायदा उसके लिए पैसे दिए जाते हैं कि सबसे टॉप आए। यानी कि काम वासना, यानी कि हमारे चारों तरफ ऐसे काम वासना, काम वासना, काम वासना मंडरा गई। पहले उसके लिए व्यवस्था करते थे, किसी की तपस्या भंग करनी है व्यवस्था करो, उसके लिए ले जाओ अवसर, ऐसे करो वैसे, अब वो भी नहीं है। अब तो एक सीधे मोबाइल दे दो, लो भाई कुछ नहीं, मोबाइल लो और आप सीधे, और क्योंकि बुराई, गंदी चीजें तुरंत अट्रैक्ट करती है, वो अट्रैक्ट करती है, और फिर हम उसमें, तो जहां पे ये बटन है कि जहां जिन्होंने इतनी व्यवस्था कर रखी कि हमारे बच्चे, खुद जो बुराई फैलाने वाले के बच्चे भी इसी गंदगी में, उन्हें अब जो बुराई के लोग होते हैं उनको नहीं प्रभाव के हमारे पत्नी बच्चे को जो भी है वो नहीं देखेंगे, वो भी देखेंगे, उन्हें तो मतलब, उन्हें मतलब अपने व्यापार से है, उनको प्यार से, संस्कार से कोई मतलब नहीं, उनका संसार चले, उनका ये हवस भरा, हवस सभी प्रकार की है, चाहे वो काम वासना की हो, पैसे की हो, नाम की हो, सुंदरता की हो, आपके रुतबे की हो, ये सब नकली चीजें हैं वो। अब देखो कलयुग में इसकी पराकाष्ठा है, आपको परीक्षा लेने के लिए कोई आएगी नहीं, बटन दबाओ मोबाइल के सारी वेबसाइटें खुल जाएंगी अवश्य। कितना मुश्किल है सारी पीढ़ियों को पथ भ्रष्ट होते हुए बचाना, आसान है, उंगलियों पे है सब चीजें, सब उंगलियों पे आ गया और सब। तो कली खला, कली का जो पूरा गैंग है वो हमें सबसे पहले संस्कारों से भटका रहा है, और यहाँ पे बोलबाला सबसे ज्यादा काम वासना का है, जो हम मोबाइल में बता रहे हैं, ऐसी साइटें बनाने वाले, ऐसी फिल्में बनाने वाले को, उनको अपने बच्चों का, उनको कोई प्रभाव नहीं, उनको पैसा चाहिए, संसार चाहिए, और बस अभी अभी जो जीना है खत्म, आगे का मतलब नहीं। तो ऐसों के लिए तो जो एक बटन भी तो है जिससे वेबसाइटें बंद होती हैं, तो वो बटन तो कल की भगवान के पास है, वो कभी भी चीजें बंद हो सकती है, तो वो
वो जो पावर है, एक बटन दबेगा बंद हो गए, वो सब तो होगा, मगर वो सब तो चीज़ें देखो, कोई भी बड़ा अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी बिल्कुल बाद में एक्शन लेता है। सारे काम हमारे, हम किसी राज्य में है, वहाँ सारे काम मुख्यमंत्री थोड़ी करते हैं, वो अपने अपने डिपार्टमेंट के कोई अधिकारी करता है। तो जब ये सब होते होते जब उनके लेवल तक बात आती है, तब दौरे पर माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं या किसी भी देश के प्रधानमंत्री जाते हैं या राष्ट्रपति जाते हैं। उससे पहले जब तक नीचे के लोगों से निबट लिया जाता है, नीचे के लोग भी तो सरकार का हिस्सा होते हैं, वैसे ही है भगवान का भी। जब तक आप सारे लोग करो, जब आप लोग नहीं कर पाओगे तब मैं प्रकट हो जाऊंगा, नहीं तो हम लोग भी उन्हीं का ही रूप है, वो वही काम कर रहे हैं जो ईश्वर खुद आगे करते हैं। आप एक देखो, एक जिलाधिकारी है, उनको पूरे जिले का देखना है, मगर जिलाधिकारी हर जगह थोड़ी जाते हैं, हर जगह तो उनके अधिकारी जाते हैं जो वो सब काम संभालते हैं। हम लोग जो जो भी धर्म के काम कर रहे हैं, सब भगवान कल्कि के ईश्वर के ही कार्य कर रहे हैं। एक गुट यह है जो अधर्म फैलाना चाहता है, एक गुट यह है कि हम नहीं, हम धर्म की बात करना चाहते हैं। देखो, जो खलनायक है वो चाहता है कि यहाँ पे सिर्फ व्यापार हो, और उसको तो उसे धर्म से कोई मतलब नहीं। बच्चे बिगड़ रहे हैं उसके ब्लू फिल्म देख के, उसे कोई मतलब नहीं। हमारी आगे वाली पीढ़ी का क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये ठीक वैसे ही है, दुर्योधन की आंख में पट्टी थी ना, उसकी आंख में कलयुग, ये बिल्कुल मशीनों का ही हो गया। मशीनें किसी से प्यार करती है क्या? आप उम्मीद करो कि मशीनों में भाव हो, फीलिंग हो, कहाँ से हो जाएगी? हम मशीनों के तो आसपास हैं। तो इन मशीनों का सही उपयोग, देखो दो शक्तियां काम कर रही है, एक मशीन बनाने वाले हैं जो इंजीनियर लोग हैं, वो तो सही है, मगर इनके बनते इनका दुरुपयोग, वो रावण, दुर्योधन, कंस, अब ये कल्कि के दुश्मन कली, भगवान कल्कि के दुश्मन कली, तो वो तो आर्युग में आपका होने, ये युग थोड़ा सा, क्योंकि ये युग सीधे सतयुग से जोड़ेगा, तो ये उपसंहार है, किसी भी कहानी का एंड नहीं होता। तो या तो उसमें सब सुधरेंगे या सीधे ऊपर निकलेंगे, जो जो नहीं सुधरेंगे वो सीधे उनका उद्धार ही होगा, जो सुधर जाएंगे, जो परिवर्तित हो जाएंगे सत्य की राह पे, वो सतयुग में प्रवेश करेंगे। आपने देखा होगा कोई फिल्म हिट हो जाती है तो सारे उसके एंड में कुछ कलाकार मर जाते हैं, कुछ किरदार कुछ जीवित रहते हैं, उन जीवित जो रहते हैं उनको सेकंड पार्ट में लाया जाता है। तो वैसे ही होगा, जो सुधर जाएंगे, जो सही जगह हो जाएंगे, वो सतयुग में वो प्रवेश करेंगे। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, आज इतना ही, फिर किसी टॉपिक पे दूसरे मिलता हूँ। जय हो कल्कि महाराज।